हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन करनी सीखी थी और उसकी प्रॉपर्टीज की थी रैशनल नंबर्स की। आज हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन की। सो पहले सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे, देन इसकी क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज करेंगे सब्ट्रैक्शन की कि वो सेटिस्फाई कर रही है सब्ट्रैक्शन को लेकर, रैशनल नंबर को लेकर या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या है, आपने एक ऐसा रैशनल नंबर लिया जिसे क्या करोगे, दूसरे सब्ट्रैक्शन में से क्या करोगे, माइनस करोगे। टू रैशनल नंबर्स ले लिए, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, बी आर टू रैशनल नंबर। देन सब्ट्रैक्ट सी अपॉन डी फ्रॉम ए अपॉन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ए अपॉन बी में से सी अपॉन डी माइनस कर दिया। ठीक है, सिंपल दो रैशनल नंबर लिए और इस रैशनल नंबर को इसमें से माइनस कर दिया, उसे क्या बोलोगे आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल, जैसे सब्ट्रैक्ट माइनस थ्री अपॉन एट फ्रॉम माइनस फाइव अपॉन सेवन। माइनस थ्री अपॉन एट फ्रॉम माइनस फाइव अपॉन सेवन। सो इसको कैसे सॉल्व करोगे कि इसमें से हमने ये वाली माइनस करनी है, माइनस फाइव अपॉन सेवन। क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है किस रैशनल नंबर को, इस रैशनल नंबर को, माइनस थ्री अपॉन एट। सो माइनस फाइव अपॉन सेवन, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगी, प्लस थ्री अपॉन एट। आप देख सकते हो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। तो फर्स्ट वी विल टेक अ एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, सेवन इंटू एट कितना हुआ, फिफ्टी सिक्स। सो फिफ्टी सिक्स एलसीएम आया। फिफ्टी सिक्स को हम सेवन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कोशेंट बचेगा वो क्या आएगा, एट। और जो कोशेंट आएगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस फाइव इंटू एट, प्लस एज इट इज, थ्री एज इट इज। अब 56 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो डिवाइड करके क्वेश्चन क्या आएगा, 7। तो 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल 5 इंटू 8 कितना होता है, 40, प्लस 7 3 इंटू 7 कितना हुआ, 21 अपॉन 56। माइनस 40 में से प्लस 21 करोगे अपॉन 56 तो आंसर क्या आएगा, माइनस 19 अपॉन 56। ये आपकी सिंपल सब्ट्रैक्शन थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके कुछ और भी सम है, जैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज माइनस थ्री, माइनस थ्री अपॉन फाइव। माइनस थ्री अपॉन फाइव इफ वन ऑफ द नंबर is minus 9 upon 20. Find the other. आपने other जो rational number है वो find करना है। आपने क्या करना है, question में क्या है, sum of two rational numbers, दो rational numbers का sum कितना होगा, minus 3 upon 5 जो क्या given है।
और वन एक रैशनल नंबर दे दिया, वो क्वेश्चन में क्या है, माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी, दूसरा रैशनल नंबर आपने फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, लेट करोगे कोई ऐसा रैशनल नंबर जिसको हम इसमें से ऐड करें, क्योंकि सम बोला ना ऐड करें, और उन दोनों का सम किसके इक्वल आए, माइनस थ्री अपॉन फाइव के। सॉल्यूशन, सपोज एक्स बी अ रैशनल नंबर, हमने एक रैशनल नंबर लेट कर लिया, वो क्या है एक्स, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, एक्स प्लस माइनस थ्री अपॉन फाइव, सॉरी ये आएगा नाइन अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फाइव। एक रैशनल नंबर हमने खुद लेट किया है, एक क्या था गिवन था, उन दोनों का सम, उन दोनों का सम क्या है, माइनस थ्री अपॉन फाइव। सो ये वाली जो टर्म है उसको ऑपोजिट ले लोगे तो वो नेगेटिव की क्या बन जाती है, ये जो नेगेटिव पूरी टर्म नेगेटिव में है वो उधर जाके ऑपोजिट इक्वल के ऊपर ऑपोजिट जाके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव नाइन अपॉन ट्वेंटी। सो फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा ट्वेंटी, फिर ट्वेंटी को हम फाइव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा क्वोशेंट फोर, उस क्वोशेंट फोर को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इधर भी ऐसे होगा, 20 को 20 के साथ डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आया 1, 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप डिनोमिनेटर के साथ, सो माइनस 12 प्लस 9 अपॉन 20 कितना आया आंसर इसका, माइनस 3 अपॉन 20, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आया, क्या था क्वेश्चन में, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स का सम क्या था, माइनस थ्री अपॉन फाइव, ये क्या है गिवन है, एक रैशनल नंबर गिवन था, दूसरा क्या करना है फाइंड। तो आपको पता है दो क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी कि दो रैशनल नंबर है उनका सम करना है, एक हमने खुद सपोज कर लिया एक्स और दूसरा रैशनल नंबर था माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी, वो लिख लिया, वो इन दोनों का सम किसके इक्वल है, माइनस थ्री अपॉन फाइव। सो ये कंडीशन बन गई हमारी बाय क्वेश्चन, फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास जो जो रैशनल नंबर है वो क्या आया, सेकंड रैशनल नंबर क्या आया, माइनस थ्री अपॉन ट्वेंटी, फर्स्ट क्या था माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी, दूसरा क्या आया माइनस थ्री अपॉन ट्वेंटी। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा हो प्लीज जस्टिफाई भी करो, तो आप क्या कर सकते हो, इस माइनस थ्री की थ्री अपॉन ट्वेंटी जो एक्स की वैल्यू आई है उसको पुट कर दो जस्टिफिकेशन के लिए, आपके पास ये कंडीशन थी एक्स प्लस माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फाइव, क्या एक्स की वैल्यू आई है, माइनस थ्री अपॉन ट्वेंटी, प्लस माइनस माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी, एलसीएम सेम क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या है ट्वेंटी, ट्वेंटी को ट्वेंटी के साथ आप डिवाइड करोगे वन, वन को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सेम इसमें भी ट्वेंटी को ट्वेंटी के साथ डिवाइड किया वन, सो वन को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया ये, माइनस थ्री माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी, ये कितना बन जाएगा, माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी, इसको कैंसिल कर सकते हो आप किसके टेबल पे, फोर के टेबल पे कैंसिल कर दे, तो 4 इंटू फाइव 20 होता है, यहाँ पे क्या आएगा 3, सो माइनस थ्री अपॉन
5 is equal to minus 3 upon 5, so which is true. आपके पास जो आंसर आया, जो आपके पास सेकंड रैशनल नंबर आया है, वो क्या होगा? ट्रू हो गया. ठीक है, ये आपका सम था, सेकंड सम, सिंपल सम था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. इसमें क्या क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस 5 अपॉन 8 सो एज टू गेट 5 अपॉन 9. क्या है, व्हाट शुड नंबर, कौन सा नंबर होना चाहिए उसमें अगर हम 5 अपॉन 8, माइनस 5 अपॉन 8 ऐड करें तो हमारे पास उन दोनों का जो आंसर है ऐड करने में वो क्या बने, 5 अपॉन 9. इसमें भी हमने क्या लेट किया, सिमिलरली आपका जो सम पहले किया था उसके जैसा ही है ये. इसमें क्या हमने लेट किया, सपोज x बी अ रैशनल नंबर एडेड टू बी अ माइनस 5 अपॉन 8. क्या कौन सा नंबर होना चाहिए, हमने सपोज x सपोज कर लिया, ऐसा नंबर है जो इसमें हम 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन 8 में ऐड करेंगे सो एज टू गेट 5 अपॉन 9, जिसका दोनों का सम करके हमारे पास 5 अपॉन 9 बनेगा. सो x ऐड बोला तो प्लस का साइन, माइनस 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9. भाई क्वेश्चन आपकी ये स्टेटमेंट बन गई. ठीक है, सिंपल आपको सॉल्व करोगे, x को एक साइड लिख लिया, जो दूसरी टर्म है उसको ऑपोजिट लिख लोगे आप, ये एज इट इज़. ये उधर जाके क्या बन जाएगी, माइनस की थी यहाँ पे, तो ऑपोजिट क्या बन जाएगी, प्लस की. एलसीएम डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा इसका, 72. 72 को 9 से डिवाइड किया, 72 को 9 से डिवाइड किया तो क्या आया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या आया आपका, 8. तो 8 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेम प्लस एज इट इज़, 5 भी एज इट इज़. अब 72 को 8 के साथ आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन 9, तो आप न्यूमिनेटर को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे. सिंपल, 5 इंटू 8 40 एंड 5 इंटू 9 45 अपॉन 72. 85 अपॉन 72 आपका क्या आएगा, आंसर. ठीक है, अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया कि x आपने एक रैशनल नंबर लिया जिसको इस रैशनल नंबर से ऐड किया तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 5 अपॉन 9. यही है, ये कंडीशन बन गई, इसको सॉल्व कर दिया. अगर क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन पूछी हो तो आपने ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था. तो उसका आंसर जो दोनों रैशनल नंबर का जब आप सम करोगे तो आपके पास 5 अपॉन 9 ही आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, तो आपकी जस्टिफिकेशन सॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी अ, व्हाट नंबर शुड बी अ एडर, सॉरी अब सबट्रैक्ट वाला करेंगे हम, सबट्रैक्टर फ्रॉम माइनस 3 अपॉन 4 सो एज टू गेट 5 अपॉन 6. क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट शुड बी अ सबट्रैक्टर फ्रॉम माइनस 3 अपॉन 4 सो एज वी गेट 5 अपॉन 6.
तो सिंपल सम है, इसमें भी आप क्या करोगे, कुछ खुद अपने तरफ से लेट करोगे एक रैशनल नंबर, इसमें कैसा रैशनल नंबर गिवन है एक आप लेट करोगे। तो आपने लेट किया, लेट एक्स बी ओ रैशनल नंबर शुड बी अ सब्ट्रैक्टर फ्रॉम -3/4 सो एज टू गेट 5/6। सो क्वेश्चन में क्या है, आपने किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इस रैशनल नंबर से जो लेट किया वो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करना है, -3/4 माइनस एक्स। क्या लिखा है कि एक्स ऐसा रैशनल नंबर है जिसको आप इस रैशनल नंबर से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। -3/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब सेम इज -3/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/6, ये लिख लिया आपने। यहाँ पे क्या आएगा, आप x को उधर ले जाओ, इस टर्म को इधर ले आओ, ये यहाँ पे प्लस की थी, इधर आके माइनस की टर्म बन गई, और x यहाँ पे नेगेटिव था, ऑपोजिट x के उधर जाके क्या बन गया, पॉजिटिव। इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, सेम डिनोमिनेटर बनाना है तो डिनोमिनेटर के लिए एलसीएम लोगे आप टू के टेबल पे, क्या आएगा 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 क्या होगा आपका एलसीएम। तो 12 को आप 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 12 को आप 4 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन कितना आएगा 3। तो उसको फिर आप डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सेम एज इधर भी माइनस एज इट इज 5 × 12 को 6 के साथ डिवाइड किया, 2 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा -3 × 3 = 9, माइनस का 10/12 इज इक्वल टू एक्स, -19/12 इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास जो सेकेंड रैशनल नंबर आया है वो क्या आया है, -19/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन सब्ट्रैक्शंस के हैं बट कुछ डिफरेंट है। व्हाट शुड बी एडेड 1/2 + 1/3 + 1/5 टू गेट 3, क्या आप ऐड करोगे इस रैशनल नंबर में, ये एक रैशनल नंबर है, और क्या ऐड करोगे इसमें कि आपके पास आंसर क्या आए, 3 आए। सो लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर, एडेड टू 1/2 / 1/3 + 1/5 टू गेट 3। सो वैसे ही एक्स प्लस 1/2 + 1/3 + 1/5 इज इक्वल टू 3। एक एक्स कर लिया, उसमें क्या करना था, ऐड करना था, तो ऐड कर दिया, किस रैशनल नंबर में, इस सारे रैशनल नंबर में, किसके आंसर क्या आना चाहिए था, 3, तो किसके को लिख लिया, 3 के। सो ये सारी एक टर्म थी, इसको ऑपोजिट ले लो, तो ये सारी क्या बन जाएगी, नेगेटिव। ये माइनस, जो ब्रैकेट ओपन करोगे ये प्लस का माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये भी माइनस का। ठीक है, अब आप इसके एलसीएम ले सकते हो, क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 3
सपोज 3/1 3 था ना, 3/1 -1/2 -1/3 -1/5, तो आप एलसीएम लो इसका 2, 3 एंड 5। सेम आपको पता है क्या आ जाएगा, टू इंटू थ्री इंटू फाइव कितना आएगा, 15 × 2 30। 30 क्या आया आपका एलसीएम, 30। 30 को 1 के साथ डिवाइड किया तो 30 ही आ जाएगा, तो आप डिनोमिनेटर को 30 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। माइनस का साइन है, माइनस एज इट इज, 1 भी एज इट इज। 30 को 2 के साथ डिवाइड किया तो कितना क्वेश्चन बचा, 15। 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेम माइनस एज इट इज। 13 को 3 के साथ क्या किया, डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया, 10। सो 1 इंटू नोमिनेटर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, सेम एज यहाँ पे भी 13 को 30 को 5 के साथ डिवाइड किया तो क्या आया, 6। मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन जाएगा, 31। 59/30 ये आपका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट शुड बी एडेड, इस रैशनल नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर 3 बने। तो आपने x ऐसा रैशनल नंबर लेट कर लिया जिसको हम इस रैशनल नंबर में ऐड करेंगे, ठीक है, और उसका आंसर 3 बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन की कंडीशन बनाई है, हमने फाइंड क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x को एक साइड रख लिया और बाकी को ऑपोजिट ले गई, तो आपने सिंपल कैलकुलेशन की है और एलसीएम लिया है। ठीक है, एलसीएम लिया है तो आपका आंसर क्या है, 59/30। आप एलसीएम वैसे भी ले सकते हो डिनोमिनेटर सेम करके, बट इसमें क्या है, अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो आपको ऐसे वाला एलसीएम ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी अ सबट्रैक्टर फ्रॉम 5/6 -2/3 टू गेट 1/4। अब क्या क्वेश्चन है, इस टर्म में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 1/4 आए। ये एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर में से हम कौन सा ऐसा रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास आंसर क्या आया, 1/4। सो लेट स्टार्ट, वैसे ही आप लेट करोगे, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर शुड बी अ सब्ट्रैक्टर फ्रॉम 5/6 -2/3 टू गेट 1/4। सो इस टर्म में से हम कौन सा डिजिट कर रहे हैं माइनस, कौन सा रैशनल नंबर माइनस कर रहे हैं, एक्स। सो 5/6 -2/3 माइनस, सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट, कौन सा रैशनल नंबर ऐड किया, एक्स, तो एक्स लिख दिया। क्या बनेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर है 1/4 लिखा हुआ है इन्होंने, जो हमारे पास गिवन है। सिंपल सॉल्व कर लो इसको, 5/6 -2/3, एक्स को पॉजिटिव बना लो, हम 1/4 को इधर ले आते हैं, ये इधर पॉजिटिव का था, यहाँ पे आके नेगेटिव बन गया, इक्वल टू, और ये एक्स पॉजिटिव नेगेटिव का था, उधर जाके पॉजिटिव का बन गया। अब यहाँ पे भी क्या है, सेम डिनोमिनेटर नहीं है, तो फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम, 6, 3 और 4 का एलसीएम लोगे। सबसे पहले चेक करोगे, ये 2 के टेबल पे कैंसिल कर दे सकते हैं, 2 × 2 = 3 कितना आता है, 6, 3 नहीं जाता 2 के टेबल पे, एज इट इज़ लिख लिया हमने इसको। फिर 2 को 4 पे डिवाइड किया तो 2, फिर 2 को फिर किया हमने, ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, 2 को 2 के साथ किया 1,
यहाँ पे हमने 3 के साथ किया दिस वन. तो एलसीएम क्या आया आपके पास, 2 × 2 × 3 कितना बना, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12. एलसीएम कितना आया, 12. अब इस 12 को 6 के साथ डिवाइड करो, कितना आएगा क्वेश्चन, 2. उस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर के साथ. सेम माइनस एज इट इज, फिर सेम 12 को 3 के साथ क्या करोगे, डिवाइड. क्वेश्चन कितना आएगा, 4. 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमिनेटर के साथ. सेम माइनस का साइन, और 12 को 4 को 12 के साथ डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आया, 3. 3 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3, 1 × 3 क्या बनेगा, ये 10. 10 माइनस 8 और माइनस 3 अपॉन 12 इज इक्वल टू एक्स. यस, माइनस 3, 8 और 10. ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 10, ये माइनस का 11 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू एक्स. क्या आंसर आएगा, ये माइनस 11 को हमने 10 में से माइनस किया तो क्या आया आंसर, 1. बट बड़ा कौन सा साइन था माइनस का, तो माइनस 1 अपॉन 12. आपका जो दूसरा रैशनल नंबर आया वो क्या है, माइनस 1 अपॉन 12. ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, सब्ट्रैक्शन की. प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, अब किसकी प्रॉपर्टी करनी है, हमने सब्ट्रैक्शन की. इससे पहले हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, उस सब्ट्रैक्शन के सम थे कुछ इक्वेशंस वाले. ठीक है, और अब उसकी क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टीज हमने चेक करनी है कि जो सब्ट्रैक्शन के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं. सो लेट बी अ चेक, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, क्लोजर. इसमें क्या है क्वेश्चन में कि आपके पास क्या है, सिंपल दो रैशनल नंबर लोगे. ठीक है, और उन दोनों को सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी. ऑलवेज आपको पता है वो सेटिस्फाई होती है. ठीक है, क्या लोगे आप, इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी बी एनी टू रैशनल नंबर, देन क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज ऑल्सो रैशनल नंबर. ये भी क्या बन जाएगी, रैशनल नंबर. ठीक है, अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है उसको सिंपल आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा. जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप, 2/3 माइनस 1/3, दो रैशनल नंबर ले लिए, उसको क्या कर गया, सब्ट्रैक्ट. तो आंसर भी क्या आएगा, रैशनल ही आया. सो ये ऑलवेज क्या होती है, ट्रू. मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई. क्लोजर प्रॉपर्टी इज अ सेटिस्फाई फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि आपके पास क्या होंगे, दो ही रैशनल नंबर्स होंगे, बट क्या वो एक दूसरे के जो कंडीशन होती है कि अगर वो ऑपोजिट लिख दोगे वो सेम आएगी, नहीं. जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी. जैसे हमारे पास दो रैशनल नंबर ले लिए, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी.
हमने एनी टू रैशनल नंबर्स ले लिए. आप कंडीशन सेटिस्फाई करके देखो, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी. आप देख सकते हो यहाँ पे ए अपॉन बी पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव चेंज हो गया. यहाँ पे सी अपॉन डी नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव. मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है. सो विच इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं हुई. अब नेक्स्ट करेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी सब्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास क्या है, तीन क्या ले लिए हमने, रैशनल नंबर्स ले लिए. ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है एसोसिएटिव की, ए अपॉन बी. अब सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे हो तो माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ, ये एक ब्रैकेट में लिख लिया, ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया. आप देख सकते हो कि ये दोनों सेम नहीं है. ठीक है, ये भी क्या होगी, डजंट सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी. ठीक है, क्योंकि ये एक ब्रैकेट में है. अगर आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे जो इसका आंसर आएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर तो सिंपल आएगा, बट क्या आएगा, इसमें से माइनस करोगे, ये दोनों क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं करेंगी. सो इसलिए विच इज़ नॉट सेटिस्फाई या विच इज़ नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है. सो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. इसमें क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या कर सकते हो कि हमारे पास एक रैशनल नंबर था ए अपॉन बी. आइडेंटिटी कौन सी लेते थे हम इसमें, ज़ीरो. कौन सी लेते थे हम, ज़ीरो. सो वही है, हमारे पास एक रैशनल नंबर ले लिया ए अपॉन बी, उसमें हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ज़ीरो. तो हमारे पास वो सेम रैशनल नंबर आ जाएगा. कोई भी रैशनल नंबर हो, अगर उसमें से हम ज़ीरो माइनस कर देंगे तो वो सेम ही बनेगा. सो ये सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, सो रैशनल नंबर ज़ीरो इज़ अ राइट आइडेंटिटी. तो क्या लिख सकते हो, रैशनल नंबर ज़ीरो इज़ अ राइट आइडेंटिटी. ये क्या सेटिस्फाई कर रही है, अगर हमारे पास कोई एनी रैशनल नंबर है, अगर उसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है ज़ीरो. ठीक है, फॉर एनी रैशनल नंबर. ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में था, वो हमने ऐड किया था, और अगर जब हम इन्वर्स करते थे तो हमारे पास जो टर्म थी वो नेगेटिव बन जाती थी. सो जो सब्ट्रैक्शन है वो उसके लिए ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहा है. सो अब हम इसके कुछ सम करेंगे. ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया. अब आप क्या करोगे, इसके सिंपल सम थे, अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साइन होंगे सम में. ठीक है, एडिशन भी होगी सब्ट्रैक्शन भी होगी, बट पीछे जो हमने एडिशन के लिए किया था, हमारे पास फोर टर्म्स होती थी,
फाइव रैशनल नंबर्स की टर्म्स भी होती थी, तो उसको हम सिंपल कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से करते थे। अब यहाँ पे ये तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है प्रॉपर्टीज़, तो हमारे पास सिंपल सॉल्वेशन करेंगे, बट इन सब में क्या जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, इसलिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आज प्रीवियस कराया है, इसलिए मैंने वो वाला मेथड किया आज, इसलिए आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। सो एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे पास जहाँ पे है क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम सम कर रहे हैं। हेडिंग आप दे सकते हो इसको जैसे सिंप्लीफिकेशन, ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, एडिशन भी इन्वॉल्व करेंगे और एंड सब्ट्रैक्शन भी होगी। ठीक है, ऑफ रैशनल नंबर इस जब जो हम सम करेंगे उसमें एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन के भी साइन होंगे। ठीक है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है, कोई भी हम सम ले लेते हैं, जैसे हमने सम लिया जैसे 3/5, 3/7 फाइन, 3/7 प्लस 6/11 प्लस 8/21 प्लस -5/22, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब इस सम में क्या है, 3/7 एज इट इज लिख लिया, प्लस माइनस माइनस, 6/11 प्लस एज इट इज 8/21 प्लस माइनस माइनस 5/22। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, देख सकते हो आप जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हम इन सभी का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे एक साथ ही, 7, 11 और 21 एंड 22। आप 7 के टेबल पे देखो, 7 को किया, 7 ones are 7, 11 पे नहीं जाता एज इट इज लिख लिया, 7 को 21 के टेबल पे डिवाइड करो क्या आएगा, 3, 7 into 3 होता 21, तो 3 आ गया, क्वेश्चन कितना आया 3, और 22 पे पिन जाता है, तो ये भी एज इट इज लिख दिया। अब इसको 11 को करेंगे हम, 11 ones are 11, 3 एंड यहाँ पे 2, 11 into 2 22, एंड 3 3 ones are 3, एंड 1 2 पे किया, अब 1 into 1 into 2, सॉरी यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी इसको हमने डिवाइड किया 2 को 2 के साथ, तो 1 आ गया। ठीक है, 7 को 7 के साथ डिवाइड किया 1, 11 के टेबल पे नहीं जाता तो 11 एज इट इज लिख लिया, 7 को 20 के 1 के साथ डिवाइड किया तो कितना आया 3, क्वेश्चन 3, 22 एज इट इज लिख लिया। सेम 11 को फिर 11 के टेबल लिख दिया हमने, 11 को 11 के साथ डिवाइड किया तो 1, 3 पे नहीं जा रहा एज इट इज, 22 पे जा रहा है तो 11 इंटू को 22 से डिवाइड किया तो कितना आया, क्वेश्चन 2। सेम 3 को भी ऐसी कर दिया और 2 को भी ऐसी कर दिया, तो हमारे पास क्या एलसीएम बना, 7 into 11 into 3 into 2, कितना आएगा, 77 into 6। सो ये आंसर आएगा हमारे पास 462, ये एलसीएम आएगा हमारा, एलसीएम क्या है 462। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, ये क्या है हमारा एलसीएम। अब इस 462 को हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 7 के साथ डिवाइड किया तो कितना आएगा, 66, 66 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर साइन क्या था माइनस का, फिर 462 को हमने 11 के साथ क्या किया, डिवाइड किया तो कितना आएगा,
42 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. फिर क्या साइन है प्लस का. फिर हमने 462 को किसके साथ डिवाइड किया, 21 के साथ डिवाइड किया, तो क्या आएगा हमारे पास 22. उसको हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. देन साइन फिर माइनस का लिख लिया, फिर 5 लिख दिया. फिर 462 को हमने 22 के साथ डिवाइड किया तो कितना क्वेश्चन आया 21. तो 21 को हमने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया. अब इन सब की क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई. 66 इंटू 3 कितना आता है 198, माइनस का साइन. 6 इंटू 42 कितना आता है 252. एंड 8 इंटू 22 कितना आता है 176. एंड 5 इंटू 21 कितना आता है 105 अपॉन 462. वही है. अब क्या करोगे आप, इन दो प्लस वालों को ऐड कर लो, इन माइनस वालों को ऐड कर लो. कितना आएगा 374 माइनस 357 अपॉन 462. ठीक है. नेक्स्ट इसका क्या हमारे पास आया माइनस करके प्रॉपर 17462. ये भी क्या है, रैशनल नंबर आया. ये हमारा आंसर. ऐसे ही आपको कुछ सम दूंगी मैं प्रैक्टिस के लिए जो आपने घर पे सॉल्व करने हैं. ठीक है, एक सम मैं और करके दिखाऊंगी. नेक्स्ट सम है हमारे पास फाइंड या सिंप्लीफाई करो माइनस 2/3 प्लस 5/9 माइनस माइनस 7/6. ठीक है, 2/3 प्लस 5/9 माइनस माइनस 7/6. सेम डिनोमिनेटर इसमें क्या है, सेम नहीं है. तो वैसे ही क्या करोगे आप, इनका एलसीएम लोगे तीनों का. ठीक है, 3 के टेबल पे करते हैं हम इसको. 3 इंटू 3, 3 को 3 के साथ डिवाइड किया, कितना आया हमारे पास 3 में क्वेश्चन कितना आया 1. 3 को 9 के साथ डिवाइड किया तो कितना क्वेश्चन आया 3. 3 को 6 के साथ हमने डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया 2. अब हमने फिर 3 के टेबल पे किया 1, तो एज इट इज लिख दो. 3 को 3 के साथ डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आया 1. 2 के टेबल पे तो जाता नहीं है, इसको एज इट इज लिख लिया हमने. फिर हम 2 के टेबल पे जाएंगे, 2 ये एज इट इज लिख लो. हमने 1 बनाना लास्ट में. ठीक है, हमारे पास 1 के अलावा कोई और डिजिट नहीं बनना चाहिए. तो 2 को 2 के साथ किया तो डिवाइड किया तो कितना क्वेश्चन आया 1. तो एलसीएम क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 2 9 इंटू 2 18. कितना आया हमारे पास एलसीएम, कितना आया 18. 18 को आप 3 से डिवाइड करोगे. ठीक है, या मैं आपको करके दिखा देती हूँ. 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है क्वेश्चन 6. ठीक है, क्या आया 6. अब इस 6 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर के साथ. क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के साथ. ठीक है, प्लस एज इट इज. फिर हमने क्या किया, 18 को 9 के साथ डिवाइड किया, कितना आएगा 2. वैसे आप करके देख सकते हो कितना आएगा क्वेश्चन 2 आया क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 है तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिनोमिनेटर के साथ. देन माइनस 7 एज इट इज. फिर 18 को हमने 6 के साथ क्या किया, डिवाइड. कितना क्वेश्चन आया 3. 3 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. अब सिंपल मल्टीप्लाई, माइनस 12 प्लस 10 और माइनस 21 अपॉन 18. कितना बना, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लेते पहले. 33 माइनस प्लस का 10 अपॉन 18. ये क्या बनेगा 23. ये कितना आएगा, हमने क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पे ये माइनस का था ना, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, यहाँ पे प्लस आएगा. ठीक है, प्लस का ये क्या बन जाएगा हमारे पास 21.
यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे आएगा माइनस 12 प्लस 31 अपॉन 18 इज इक्वल टू 31 में से माइनस 12 किया, कितना आंसर आएगा 19 अपॉन 18, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे हम और भी सम है जो मैंने ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपने घर पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, वन बाय वन कर लेना। ये आपके टोटल जो फर्स्ट थे क्वेश्चन वो 8 है, जो मैंने अब करवाए हैं उसके क्वेश्चंस 4 हैं, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।